सैकड़ों मासूम लोगों का हत्यारा हीरो कैसे हो सकता है? लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकियों में से एक हाफिज सईद को पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना हीरो मानती है। जब भी पाकिस्तान के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय या फिर भारत की तरफ से दबाव बनाया जाता है, पाकिस्तान हाफिज सईद पर दिखावे वाली कार्रवाई कर देता है। लेकिन हाफिज सईद पाकिस्तान में अब भी खुलेआम घूमता है और शान से जीता है। आजू काजमी ने हाफिज सईद को लेकर भी आज तक पर ऐसे खुलासे किए हैं जो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। ये तो आप कह रहे हैं ना कि वो टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान के लोग तो कह रहे हैं कि वो हीरो हैं, उन हमने तो इनको हीरो बना के रखा है ना, हमारे लिए तो ये एसेट्स हैं हमारे, तो इनको तो कैसे हाफिज सईद अभी भी पाकिस्तान का हीरो है? अगर हीरो ना होता तो इन्होंने फिर झूठ क्यों बोला था? इन्होंने तो कहा था कि ये 31 ईयर्स के लिए इसको अरेस्ट कर लिया है, जेल में डाल दिया है। तो 2-3 दिन पहले वो गोटकी में क्या कर रहा था? वो वहां पे घूम रहा था, फिर रहा था सिंध में, और उसके साथ जो थी वो सिक्योरिटी भी ऐसे दी हुई थी जैसे किसी वीआईपी को दी जाती है। कहा जाता है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन खुद उसमें गिर जाता है। आज पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। पाकिस्तान ने जिस आतंकवाद को भारत समेत दुनिया के दूसरे देशों में हत्या और नफरत फैलाने के लिए तैयार किया था, आज वही आतंकवाद पाकिस्तान को धीरे धीरे खाए जा रहा है। और अब दावे ऐसे भी किए जाने लगे हैं कि बहुत जल्द पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर भी आतंकियों का कब्जा होगा। ऐसा ही कुछ दावा पाकिस्तान की जानी मानी पत्रकार ने भी किया है। यहाँ पे जितनी भी ऐसी मार्केट्स हैं जो इसमें रश होता है या इस किस्म की बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे लोग अभी से काफी अवॉइड कर रहे हैं कि खामा कहीं वहाँ पे ना जाएं, अगर कोई बहुत जरूरी काम है तभी जाएं, क्योंकि यहाँ पे कुछ पता नहीं कि क्या हो जाए। बीते कुछ महीनों में पाकिस्तान के सार्वजनिक जगहों जैसे मस्जिद, बाजारों समेत कई जगहों पर एक के बाद एक कई हमले हुए। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें देखा जा सकता है कि पाकिस्तान में बम धमाके ऐसे हो रहे हैं मानो जैसे दिवाली में पटाखे जलाए जा रहे हो। ऐसे में अब इन हालातों के बीच लोग बाहर जाने से भी डरने लगे हैं। पाक इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड स्टडीज के द्वारा जारी आंकड़ों की माने तो साल 2022 में पाकिस्तान में कुल 262 आतंकवादी हमले हुए जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। 2021 के मुकाबले पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों की घटना में करीब 27% की बढ़ोतरी हुई। हाल ही में बीते 17 फरवरी की शाम पाकिस्तान के शहर कराची में पुलिस मुख्यालय पर हथियारों से लैस 3 आतंकवादियों ने हमला किया था जिसमें 6 लोग मारे गए, वहीं 11 लोग घायल भी हुए थे। इससे पहले 30 जनवरी को भी पाकिस्तान के शहर पेशावर की मस्जिद में एक बम धमाका हुआ था जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए थे, जिसमें कई पुलिस वाले भी शामिल थे। ऐसे में जानकार मानते हैं कि जब तक पाकिस्तान अपने नियत और नीति में बदलाव नहीं करता, पाकिस्तान की जनता यूं ही इस तरह के हमलों का शिकार होती रहेगी।